Mute your mic. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. So today we will talk about covalent bond. क्या आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था. थोड़ा सा बताइए आप लोग, आयोनिक बॉन्ड के बारे में क्या समझ आया था आप लोगों को? आयोनिक बॉन्ड से क्या समझते हैं आप लोग? गिव आंसर. आंसर दीजिए. आयोनिक बॉन्ड से क्या समझते हैं बेटा आप लोगों को? इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आंसर दीजिए. मैम आयोनिक बॉन्ड वो होते हैं इसमें चार्जेस होते हैं. चार्जेस होते हैं, चार्जेस का क्या होता है मैम? चार्जेस में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. जो देता है वो बन जाता है पॉजिटिव और जो लेता है वो बन जाता है नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव, ठीक है. तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और तब नया कंपाउंड बनता है, ठीक है. तब हम उससे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है चलिए हम देखते हैं. We will now consider that the element carbon. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ठीक है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा चलिए बताइए. मैम 2 and 4. 2 and 4. If carbon loses 4 electron to attain inert gas configuration, इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? ±4 होती है. दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है. इज दैट क्लियर? ठीक है, वैलेंसी समझ में आई थी ना आप लोगों को? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. फिर उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है वो उसकी वैलेंसी होती है. ये सब मैंने बताया था ना? यस मैम. ठीक है, तो इसी तरह से कार्बन की वैलेंसी बताई थी आप लोगों को. कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई थी मैंने, बताइए? कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई थी? मैम 4. प्लस माइनस 4 बताया था. प्लस माइनस 4 का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, ठीक है. सो देखिए यहाँ पर कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में आ जाता है. इसी तरह से हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जल्दी बताइए. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है. तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन आयन
तो क्या कर रहा है, फोर इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करता है, उसी तरह से हीलियम भी करता है, ठीक है। इफ इट गेन्स फोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन सिमिलर टू नियॉन 2H, देन इट विल फ्रॉम इट विल फॉर्म कार्बन C4-. इसी तरह से अगर ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी प्लस माइनस फोर होती है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट करेगा, ठीक है, तब इसकी वैलेंसी क्या होगी, प्लस फोर होगी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा हो, ठीक है, गेन करेगा, तब इसकी वैलेंसी क्या होगी, मैम माइनस में नेगेटिव, माइनस फोर होगी, माइनस फोर, ठीक है। इन बोथ केसेस द आयंस फॉर्मड आर अनस्टेबल, सो बोथ आर नॉट पॉसिबल। इन दोनों केस में जो आयंस वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। देन हाउ डज कार्बन फॉर्म बॉन्ड, तो अब कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा, उसके बाद तो उसके पास तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो इसी को चलिए हम समझते हैं। वन अल्टरनेटिव इज दैट कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट। एक पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन की इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने की पॉसिबिलिटी है कि वो फोर इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। What does sharing mean? अब यहाँ पर sharing का meaning क्या होता है, हमने तो previous class में जब ionic bond हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने transfer of electron पढ़ा, लेकिन sharing of electron क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं sharing of electron का मतलब, ठीक है। यहाँ पर हम गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, म्यूट कर दीजिए माइक को। तो चलो देखते हैं हम कैसे बनता है कार्बन, अपना इनर्ट गैस कैसे अचीव करता है, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर फोर क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रा बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि वन रहेगा तो मोनो कहेंगे, टू रहेगा तो डाई, थ्री रहेगा तो ट्राई, फोर रहेगा तो टेट्रा, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CCl4। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्मड बाय वन कार्बन एंड फोर क्लोरीन एटम। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड वन कार्बन एटम और फोर क्लोरीन एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो वी ऑलरेडी नो दैट अ क्लोरीन एटम नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। बताइए यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2 and 4, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का 2, मैम 2 8 7, ठीक है। बट यहाँ पर कितने क्लोरीन है, देखिए 4 क्लोरीन है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि वैसे तो क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट यहाँ पर 4 क्लोरीन है, तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो सबका 2 8 7 होगा और सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। और क्लोरीन को इसी तरह से अगर 4 क्लोरीन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दैट मीन्स की टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्लोरीन को, ठीक है। क्लियर है, yes, okay. Yes, तो हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कैसे होता है।
तो सबसे पहले हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं. एक वो किसके किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन जो है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा, है ना. अब तो CCl4 बने, तो ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? हर एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन. कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसे ये करेगा? देखो, कार्बन जो है वो अपना हर एक इलेक्ट्रॉन को हर एक क्लोरीन के साथ में शेयर करेगा. ठीक है, हर एक क्लोरीन के साथ शेयर करेगा. ठीक, और यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये कार्बन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन. मैं कुछ दिख ही नहीं रहा. आपके पास बुक है ना, आप बुक ओपन कीजिए. देखिए यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. कार्बन किसके किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, 1 2 3 और 4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है. क्लोरीन हर क्लोरीन के सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. गुड मॉर्निंग मैम, गीतांजलि, प्लीज कॉल मी. ये क्या हो रहा है बेटा? देखिए, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक, हर एक क्लोरीन के पास मैंने यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए. बुक में देखिए, या फोटो क्लियर नहीं आ रही होगी तो मैं व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. क्लोरीन हर एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो ये क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे. कैसे इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे? देखिए, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा. ठीक, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में लिया, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लिया और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. और यहाँ पर इन्होंने इनर्ट गैस अचीव कर लिया. ठीक है, समझ आया कैसे शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का? यस मैम, दोनों शेयर करेंगे. पर क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. वैसे तो यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन के पास भी देखिए आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. तो ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं ना. शेयर करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को. यहाँ से देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं. ये भी क्लोरीन भी शेयर कर रहा है. क्लोरीन भी कार्बन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. ठीक है, जिससे कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन 88 इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन के पास भी हो गया. तो दोनों ने क्या कर लिया? इनर्ट गैस अचीव कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पर बॉन्ड बनता है. यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा? कार्बन क्लोरीन. ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा CCl4. ठीक, समझ आया? दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया. कार्बन ने क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया. दोनों ने शेयरिंग किया और दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट किया, इनर्ट गैस कंप्लीशन अचीव किया और एक नया कंपाउंड बनाया. क्लियर है? तो जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है और नया बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है. जो कंपाउंड बनता है उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है. क्लियर है?
Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट है कोवेलेंट कंपाउंड या बॉन्ड में? No, ma'am. इसमें दोनों क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट इक्वल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं. जैसे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो क्लोरीन भी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देगा. ठीक है, नाउ वी विल लुक एट द कंपाउंड मीथेन फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन. अब हम क्या देखते हैं, मीथेन का कंपाउंड कैसे बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से. ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कितना प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन ही दिख रहा है ना बेटे, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर CH4 बना रहे हैं, मीथेन बना रहे हैं. ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जल्दी बताइए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा. देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 प्रेजेंट है तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक, और यहाँ पर जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक, तो अभी इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कैसे करते हैं, चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं. तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है. जब ये रिएक्ट करता है तो कैसे शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन को और कैसे ये कंपाउंड बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन है जिसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन. माइक म्यूट कीजिए तो आप लोग ठीक. तो देखिए यहाँ पर कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इसी तरह से हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हर एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक, तो यहाँ पर देखिए हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शेयरिंग करेंगे ये. ठीक, ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन को लेगा इस तरह से. अब देखिए यहाँ पर कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब उसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया. और हाइड्रोजन के पास देखिए, हाइड्रोजन के पास भी 1-1 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना. दोनों ने शेयरिंग किया और क्या बनाया, मीथेन बनाया, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और उसका स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, यहाँ पर 4 बॉन्ड बनेंगे. तो यहाँ पर भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं. तो जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है और कोई नया कंपाउंड बनता है तो वो वहां कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है. क्लियर है, सबको समझ आया?
यस मैम यस यस मैम कार्बन डाइऑक्साइड का बनाकर दिखा सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा बता सकते हैं? आप लोगों का क्लास वर्क है कि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू समझाएंगे, ठीक है? यस मैम यस मैम पूछ लीजिए। नो डाउट? नो मैम। ओके तो कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं आप लोगों को पिक्चर शेयर कर रही हूँ, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सो बाय लुकिंग एट द गिवन स्ट्रक्चर कैन यू टेल हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम? आपको ये भी बताना है जब कार्बन डाइऑक्साइड का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, ठीक है? सच कंपाउंड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। शुड बी नोटेड हियर दैट टू और मोर एटम अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होता है कि जो दो एटम होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करते हैं। सच ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स और वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड है। ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाता है? एटम्स के ऐसे ग्रुप को मॉलिक्यूल कहा जाता है और जो कंपाउंड बनता है नया कंपाउंड उसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम। दिशा तिवारी आप क्या कर रहे हो बेटा? मैंने जो पिक्चर सेंड किया आप उसमें क्या कर रहे हो? सेम एज वॉटर में भी आपको बताना है कि वॉटर इज कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वॉटर किस किस से मिलकर बना है? वॉटर किस किस से मिलकर बना है मैम? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें भी आपको बताना है कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है? तो ये दोनों आप लोग अभी क्लास वर्क में करके दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे और कितने बॉन्ड बनेंगे ये भी बताएंगे, ठीक है? यस मैम। ओके तो क्लास वर्क करिए और सेंड कीजिए ग्रुप में। यस मैम यस मैम यस मैम।